नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी और इस वक्त की बड़ी खबर आपको अयोध्या से दिखा रहे हैं, जहां पर राम मंदिर ट्रस्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जमीन विवाद के मामले को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। जमीन खरीद के आरोपों पर ट्रस्ट ने बयान दिया है। जमीन खरीद विवाद पर कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा है, जमीन खरीदारी में वित्तीय अनियमितता नहीं हुई है, सर्किल रेट से कम में खरीदी गई है जमीन, सीए और लेखपालों की मौजूदगी में जांच कराई गई। जमीन खरीद मामले में ट्रस्ट की पैनी नजर बनी हुई है। तो इस जमीन खरीद मामले को लेकर सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें ये कहा गया है गोविंद देवगिरी जी की तरफ से कि वित्तीय अनियमितता नहीं हुई है जमीन खरीदारी मामले को लेकर। तो जमीन खरीदारी के आरोप पर ट्रस्ट ने बयान दिया है, वित्तीय अनियमितता नहीं हुई है इस मामले पर। अयोध्या में भगवान श्री रामलीला के मंदिर के निर्माण का कार्य अबाध गति से आगे बढ़ रहा है और हम लोग निश्चित रूप से अपेक्षा रखते हैं कि नियत काल में यह मंदिर पूर्ण होगा और हमारे प्राणवल्लभ भगवान रामलला अपने भव्य दिव्य स्थान पर विराजमान होंगे। इसके निर्माण कार्य की इस गति में अवरोध करने जैसी कुछ घटनाएं गत 15-20 दिनों में घटी। कुछ लोगों ने, जिसमें कुछ राजनीतिक नेता भी हैं, कुछ तथाकथित धर्माचार्य भी हैं, ऐसे लोगों ने आपत्ति उठाई कि भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण के इस कार्य में कहीं तो भी कानूनी अनियमितताएं, जिसे आप लोग घोटाला कहते हैं, ऐसा कुछ तो भी हुआ है। इन बातों को सुनकर के जो लोग जानकार थे उन पर तो कोई परिणाम नहीं हुआ, वे विचलित तो नहीं हुए, लेकिन सामान्य जनता के मन में प्रसार माध्यमों के कारण और बार बार ऐसा बकने के कारण निश्चित रूप से संभ्रम निर्माण हो गया। और इस खबर पर जानकारी के लिए राघवेंद्र शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, ट्रस्ट की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें यह कहा गया कि वित्तीय अनियमितता नहीं हुई है और इस पर पैनी नजर बनी हुई है, आपके पास क्या जानकारी है? ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी महाराज के नेतृत्व में जो है आज वार्ता में साफ कह दिया गोविंद देव गिरी जी ने कि उनके द्वारा सीए और लेखपालों की मौजूदगी में हर तरह से जांच की गई है, किसी भी तरह से कोई भी जो आरोप सिद्ध नहीं होता पाया गया है। निश्चित ही है कि जो भी आरोप है वह बेहद ही बेबुनियाद है और किसी भी तरीके का कोई भी घोटाला ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई प्रत नहीं हुआ है। साथ में जो महेंद्र गोपाल दास है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मौजूद है। तमाम जानकारी के लिए, डॉक्टर्स भगवान का रूप होते हैं। कोरोना की दूसरी वेव में देश में किस तरह से हालात बने और किस तरह से डॉक्टर्स ने मरीजों की सेवा की, हम सब जानते हैं। डॉक्टर्स कई बार, उनको ऐसा लगा कि किस तरह से लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन कभी भी डॉक्टर्स ने हार नहीं मानी, वो लगातार मरीजों की सेवा में लगे रहे। आज डॉक्टर्स डे के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा किया और इसके साथ ही न्यूज वन इंडिया आज डॉक्टर्स के हौसले को सलाम करता है। ये रिपोर्ट देखिए। जब हम घरों में थे तब वो मिशन पर थे, कोरोना काल में डॉक्टर्स बने मरीजों के लिए भगवान। डॉक्टर्स के हिम्मत और हौसले को न्यूज वन इंडिया का सलाम। पूरा देश कोरोना महामारी की दूसरी लहर के समय जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में लगा था। दूसरी लहर के संक्रमण ने कई लोगों की जान ले ली, लेकिन महामारी के समय डॉक्टर्स लोगों की जिंदगी में भगवान बनकर आए। अपनी जान जोखिम में डालकर डॉक्टर्स ने देश की सेवा की। हम सब आज सही सलामत और सेहतमंद हैं तो उसका सारा क्रेडिट डॉक्टर्स को जाता है,
जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर कोरोना संक्रमितों की जान बचाई। नेशनल डॉक्टर्स डे एक ऐसा खास दिन जिसमें हम उन सभी डॉक्टर्स को शुक्रिया कह रहे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से एक नहीं दो दो बार देश को कोरोना के संकट से बाहर निकाला। एक डॉक्टर की हैसियत से भी और एक आम नागरिक की तरफ से भी प्रधानमंत्री मोदी जी का, क्योंकि वो दिल से उन्होंने हमारी तकलीफों को महसूस किया है, जिस संवेदनशीलता के साथ उन्होंने अपने कुछ शब्द की कहे जो कि काफ़ी एनकरेजिंग थे, तो पूरे डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी की तरफ से और इसी मंच से मैं कहना चाहूँगी कि अपनी पूरी कोऑपरेटिंग कोऑर्डिनेटिंग टोटल मेडिकल पैरामेडिकल फ्रेटर्निटी बोलूँगी, आज के दिन उनका भी धन्यवाद करने का टाइम है। कोरोना महामारी ने हमें कई सबक दिए। जब कोई संक्रमित होता था और अस्पताल में भर्ती होता था तो जो मरीज के सबसे नजदीक होता था वो डॉक्टर्स थे। एक ऐसे समय में जब महामारी ने हमें अपनों से दूर अकेले छोड़ दिया था, उस वक्त डॉक्टर्स के साथ अपनों का एहसास कराया जाता था। डॉक्टर कई कई दिनों तक अपने घर नहीं जाते थे, लेकिन अस्पताल ही उनका घर बन गया था। मरीजों की सेवा और उनकी सेहत डॉक्टरों की सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नेशनल डॉक्टर्स डे पर कोरोना काल में डॉक्टर्स की भूमिका की जमकर तारीफ की। जितनी बड़ी संख्या में आप मरीजों की सेवा और देखभाल कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप पहले से ही दुनिया में सबसे आगे हैं। यह समय यह भी सुनिश्चित करने का है कि आपके काम का, आपकी साइंटिफिक स्टडीज का दुनिया संज्ञान ले और आने वाली पीढ़ी को उसका लाभ भी मिले। इससे दुनिया को जहां मेडिकल से जुड़े कई जटिल सवालों को समझने में आसानी होगी, वहीं उसके समाधान की दिशा भी मिलेगी। 1 जुलाई को देश भर में राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा मनाया जाता है। राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि के अवसर पर मनाया जाता है। कोरोना काल में ये विशेष दिन सभी डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों को समर्पित है जो अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन इंडिया। और फेलिक्स हॉस्पिटल के सीएमडी डॉक्टर डीके गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं बातचीत के लिए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। पहला सवाल यही है कि सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं डॉक्टर्स डे पर, लेकिन इन सब के बीच जितनी भी तारीफ की जाए डॉक्टर्स की कम है। हमने देखा सेकेंड वेव में किस तरह से डॉक्टर्स ने काम किया, मरीजों की सेवा की, ये वाकई तारीफ है और न्यूज़ वन इंडिया आपके इस हौसले को सलाम करता है। क्या कहेंगे सर? डीके गुप्ता जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो आज डॉक्टर्स डे के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा किया और हमने देखा किस तरह से जब सेकेंड वेव आई तो लगातार देश में जो हालात बने थे उसको लेकर डॉक्टर्स की सराहना कितनी भी की जाए कम है, क्योंकि हमने देखा वो अपनी जान की चिंता किए बिना, अपनी फैमिली की चिंता किए बिना किस तरह हॉस्पिटल में 24-24 घंटे डॉक्टर्स ने काम किया, इसकी जितनी सराहना की जाए कम है। और आज नेशनल डॉक्टर्स डे है और इसको देखते हुए न्यूज़ वन इंडिया डॉक्टर्स के इस जज्बे को सलाम करता है। और सेकेंड वेव में हमने देखा किस तरह से हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी, तमाम चीज़ों की कमी के बावजूद भी कम संसाधनों में भी जो चीज़ें टैकल कर रहे थे वो डॉक्टर्स थे। कई बार ऐसा हुआ कि उनकी आंखें भी नम हुई, लेकिन वो लगातार लगे रहे मरीजों की जिस तरह से जो तमाम ज़रूरतें हैं उसको लेकर डॉक्टर्स वहाँ पर मौजूद रहे, समय से ज़्यादा उन्होंने काम किया। कोरोना जब से, अगर हम फर्स्ट वेव की बात करें तो उसमें भी लगातार हमने देखा कि किस तरह से डॉक्टर्स काम कर रहे थे और इसी को लेकर जो न्यूज़ वन इंडिया है वो लगातार डॉक्टर्स की सराहना कर रहा है। और आज नेशनल डॉक्टर्स डे है और इसको देखते हुए जितनी तारीफ डॉक्टर्स की जाए कम है। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ का डंका सात समुंदर पार भी बज रहा है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के एक सांसद ने तारीफ की है कि किस तरह से योगी मॉडल ने कोरोना की जब सेकेंड वेव आई थी
काम किया था। WHO ने भी योगी मॉडल की तारीफ की थी और तमाम अगर हम मुख्यमंत्रियों की बात करें तो काफी पीछे थे इस योगी मॉडल के आगे। रिपोर्ट देखिए। योगी का कोरोना मॉडल सुपरहिट, विदेशों में भी योगी मॉडल का डंका, ऑस्ट्रेलिया में योगी योगी, सांसद क्रेग केली योगी मॉडल के हुए मुरीद। दुनिया भर में कोरोना महामारी से जहां त्राही त्राही है, वहीं उत्तर प्रदेश का योगी मॉडल काफी सराहा जा रहा है। कोरोना काल में मुख्यमंत्री योगी लगातार ग्राउंड जीरो पर जाकर काम करते हैं, यानी सीएम योगी जनता के बीच जाकर समय समय पर संवाद करते हैं। कोरोना की लड़ाई में योगी सरकार के मॉडल का डंका देश ही नहीं विदेशों में बज रहा है। सीएम योगी की तारीफ WHO भी कर चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने योगी सरकार के कोविड प्रबंधन की तारीफ की थी। ग्रामीण इलाकों में राज्य सरकार के माइक्रो मैनेजमेंट को WHO ने सराहा था। WHO ने अपनी वेबसाइट पर UP के कोरोना प्रबंधन की खुलकर तारीफ की थी। कोरोना की पहली लहर के दौरान भी WHO ने योगी सरकार के मैनेजमेंट की जमकर तारीफ की थी। WHO ने UP के ग्रामीण इलाकों में कोरोना जांच अभियान की तारीफ करते हुए बताया था कि सरकार ने राज्य के 75 जिलों के 97,941 गांव में घर घर जांच, आइसोलेशन और मेडिकल किट समेत अन्य सुविधा उपलब्ध करवाई थी। वही संभावित तीसरी लहर को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने अग्रेसिव रणनीति अपनाई हुई है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए यूपी में संक्रामक रोगों पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर महाअभियान शुरू किया गया है। 31 जुलाई तक प्रदेशव्यापी विशेष संचारी रोग नियंत्रण महाअभियान चलाया जाएगा। यानी बात साफ है, योगी का मॉडल लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन इंडिया। कल गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर बवाल हुआ था। इस मामले पर अब पुलिस ने केस दर्ज किया है। भारतीय किसान यूनियन के 200 जो अज्ञात कार्यकर्ता हैं उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। लेकिन इस सब मामले को लेकर कल हमने देखा किस तरह से दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई, जमकर डंडे चले। इस पूरे मामले पर अब एक्शन लिया गया है। रिपोर्ट देखिए। गाजीपुर बॉर्डर पर बवाल मामले में किसानों पर केस। भारतीय किसान यूनियन के 200 अज्ञात कार्यकर्ताओं पर FIR दर्ज। अमित वाल्मीकि की शिकायत पर केस दर्ज। दोनों पक्षों में जमकर हुआ था बवाल। गाजीपुर बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प का मामला पुलिस तक पहुंच गया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। भारतीय किसान यूनियन के 200 अज्ञात कार्यकर्ताओं पर FIR दर्ज की गई है। यह FIR बीजेपी नेता अमित वाल्मीकि की शिकायत पर दर्ज की गई है, जिनके स्वागत के दौरान ही यह हंगामा हुआ था। अमित वाल्मीकि की शिकायत पर 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ कौशाम्बी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। IPC की धारा 147, 148, 223, 352, 427, 506 की धाराओं में FIR दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि झड़प के दौरान पुलिस ने वीडियो भी बनाया था, जिसके आधार पर आरोपियों की शिनाख्त की जा रही है। वैचारिक क्रांति है और वैचारिक क्रांति को आप बंदूक से नहीं दबा सकते। आप बातचीत करो, जो मसले है उसका समाधान करो। मतलब जो आज हो रहा है प्रदेश और पूरे देश में, वो देश की जनता देख रही है। आप बंदूक के पुलिस फोर्स के ताकत पे उसको दबाना चाहते हो, वो जनता नहीं दबेगी। उसके लिए खड़े हुए हैं, आप करो जो आपको करना है। सब लोग आ रहे हैं यहाँ पे मंच के पास मांड के नारेबाजी कर रहे, तो भाई पुलिस फोर्स है, उनको शर्म नहीं लगती कि धरना चला हुआ है कहीं, आप किसी के घर पर जाकर हमले करोगे तो उनकी गलती है ना पूरी। वे यहाँ पे क्या लेने आ रहे हैं यहाँ पे? दरअसल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री अमित वाल्मीकि नियुक्ति के बाद पहली बार गाजियाबाद आ रहे थे। यूपी बॉर्डर पर दिल्ली से आते वक्त बीजेपी कार्यकर्ता वहाँ उनके स्वागत के लिए इकट्ठा हुए थे। जैसे उनका काफिला वहाँ पहुँचा, कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत शुरू कर दिया। आरोप है कि तभी दूसरी तरफ से किसान वहां पर काले झंडे लेकर पहुंच गए और मारपीट शुरू कर दी। दोनों पक्षों में काफी देर तक बवाल होता रहा। लाठी डंडों से लैश किसानों ने जमकर तोड़फोड़ की। दोनों पक्ष में काफी देर तक तनातनी जारी रही। ये सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हुआ। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने इस घटना के बाद बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। ब्यूरो रिपोर्ट,
न्यूज वन इंडिया। और वही आज से कुछ समय पहले का वो दौर आपको याद है जब बैंक जाना होता था, अगर आपको बैंक से रिलेटेड कोई भी काम है तो आपको घंटों बैंक में जाकर लाइन में लगना पड़ता था, पर्ची भरनी पड़ती थी और उसके बाद आपका काम होता था। लेकिन अब ये सारी चीज़ें बहुत आसान हो गई, अगर आपके पास फ़ोन है तो बहुत जल्द यानी कि 10 या 5 मिनट में बैंक से जुड़ा कोई भी काम आप कर सकते हैं। यानी कि डिजिटल इंडिया ने तकनीकी के रूप में हमें कितना मजबूत कर दिया है और ये सारी चीज़ें अब कितनी आसान हो गई हैं, इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। एक क्लिक पर हाजिर है दुनिया, पिछले 6 साल में बदली इंडिया की तस्वीर। 2.5 लाख गांवों में ब्रॉडबैंड सेवा, पीपीपी मॉडल के जरिए बदलेगा डिजिटल इंडिया। आप कहीं भी हो, किसी भी काम में बिजी हो, लेकिन अगर आपको किसी को पैसे भेजने हो, किसी को अपना डॉक्यूमेंट दिखाना हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस एक क्लिक करिए और सारी समस्याओं का समाधान तत्काल हो जाता है। भारत को डिजिटल रूप से मजबूत बनाने के लिए 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया पहल की शुरुआत की गई थी। इस अभियान के 6 साल पूरा होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया ने कोरोना महामारी के दौरान जीवन को आसान बनाया। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत बुनियादी ढांचे के विकास के पैमाने और स्पीड पर अधिक ध्यान दिया गया। भारत के गाँव में लगभग 2.5 लाख CSE इंटरनेट सुविधा ऐसी जगहों पर मिल रही है जहां कुछ समय पहले इसे मुश्किल समझा जाता था। दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप में से एक आरोग्य सेतु का कोरोना संक्रमण को रोकने में बहुत मदद मिली है। टीकाकरण के लिए भारत के कोविन ऐप में भी आज अनेकों देश दिलचस्पी दिखा रहे हैं, वो चाहते हैं उनके देश में इस योजना का लाभ मिले। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया के लिए ऐसा मॉनिटरिंग टूल होना हमारी तकनीकी कुशलता का प्रमाण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि डिजिटल इंडिया के माध्यम से ही एक राष्ट्र एक राशन कार्ड को सच किया जा रहा है। इससे प्रवासी कामगारों को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है क्योंकि उन्हें अब नए राशन कार्ड नहीं बनाने पड़ेंगे। डिजी लॉकर इस बात का सबूत है कि डिजिटल इंडिया कितना प्रभावी रहा है। स्कूल, कॉलेज, आधार, पैन, वोटर आईडी कार्ड जैसे सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज अब डिजी लॉकर पर आसानी से और सुरक्षित तरीके से रखे जा सकते हैं। स्कूल के सर्टिफिकेट, कॉलेज की डिग्री, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार या दूसरे दस्तावेजों को संभाल कर रखना हमेशा से लोगों के लिए बहुत बड़ी चिंता रहती है। कई बार बाढ़ में, भूकंप में, सुनामी में, कहीं आग लगने की वजह से लोगों के जरूरी पहचान पत्र नष्ट हो जाते हैं, लेकिन अब 10वीं 12वीं कॉलेज यूनिवर्सिटी के मार्कशीट से लेकर दूसरे तमाम दस्तावेज सीधे डिजी लॉकर में सहज रूप से रखे जा सकते हैं। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम वास्तव में भारत सरकार की एक अम्ब्रेला योजना है जिसमें बहुत ही सरकारी मंत्रालय और विभाग शामिल हैं। ये बहुत से आइडिया को एक बनाकर देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए लागू की जाने वाली योजना है। कोविड-19 महामारी के दौर में डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के कारण ही लोग वर्क फ्रॉम होम, डिजिटल पेमेंट पाने, टीवी, मोबाइल, लैपटॉप से पढ़ाई और ग्रामीण इलाके के किसान सीधे अपने बैंक खाते में प्रधानमंत्री किसान जैसी योजना का लाभ पा रहे हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने 16 राज्यों के गाँव में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सुविधा पहुँचाने के लिए पीपीपी मॉडल के जरिए भारत नेट कार्यक्रम को मंजूरी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन इंडिया। और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज अपना 48वां जन्मदिन मना रहे हैं। देश के सबसे बड़े सूबे यानी कि उत्तर प्रदेश, महज 38 साल की उम्र में वो सीएम बन गए थे। सैफई गांव से निकलकर लखनऊ तक सत्ता पर काबिज होने का उनका यह सफर बहुत दिलचस्प रहा। क्या कुछ था यह सफरनामा, दिखाते हैं आपको कुछ झलकियां। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के जन्मदिन की तस्वीरें पूरे सूबे में कुछ अलग ही कहानी बयां कर रही हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कहीं डांस करते नजर आए तो कहीं लड्डू बांटते नजर आए। पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव के बेटे
अखिलेश यादव का जन्म 1 जुलाई 1973 को इटावा जिले के सफई में हुआ था। अखिलेश यादव ने मैसूर विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया, बाद में आगे की पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया चले गए। वहां सिडनी विश्वविद्यालय से पर्यावरणीय अभियांत्रिकी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। साल 2000 में अखिलेश यादव की राजनीतिक पारी की शुरुआत हुई। 27 साल के अखिलेश यादव इसी साल कन्नौज से लोकसभा का उपचुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। इसके बाद वो लगातार दो बार 2004 और 2009 में लोकसभा चुनाव जीते, फिर 2019 में वो आजमगढ़ सीट से लोकसभा सांसद चुने गए। साल 2012 में अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया था। साफ था कि पार्टी विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी अखिलेश के कंधों पर देना चाह रही थी। अखिलेश ने भी इसी चुनाव में खूब मेहनत की। पूरे प्रदेश में उन्होंने साइकिल यात्रा निकाली। अखिलेश की मेहनत रंग लाई। 2012 में 224 सीटें जीतकर सपा ने सरकार बनाई। महज 38 साल की उम्र में अखिलेश यादव सबसे युवा मुख्यमंत्री बन गए थे। उनके परिवार की बात करें तो 24 नवंबर 1999 को अखिलेश यादव ने डिंपल यादव से शादी की थी। अखिलेश और डिंपल की दो बेटियां अदिति टीना और एक बेटा अर्जुन है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन इंडिया। हालांकि अखिलेश यादव ने अपने राजनीतिक सफरनामे में कई उतार चढ़ाव देखे, कहानियां कई हैं, लेकिन 2022 के चुनाव को लेकर वो अभी से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। हमारी संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की। क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, सुनिए। दिवस है और सुबह से ही कार्यकर्ता उनका जन्मदिन मना रहे। इस वक्त हमारे साथ अखिलेश यादव हैं। अखिलेश जी क्या कहना चाहते हैं? बहुत जल्दी कैंपेन शुरू होगा। मैं सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। 2022 का भी चुनाव है, उसको लेकर क्या तैयारियां हैं? क्योंकि बिहार और बंगाल में आपने देखा बिहार चुनाव में ओवैसी ने बहुत नुकसान किया, तो लगता है उत्तर प्रदेश में 100 सीट लड़ने पर आपको कुछ नुकसान हो सकता है। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए उनका संकल्प पत्र पूरा कब होगा। उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है आप सड़कों पर, उत्तर प्रदेश की सड़कों पर अखिलेश जी, उत्तर प्रदेश की सड़कों पर आप उतरेंगे, क्योंकि जनता चाहती है आप उनके बीच आए। मैं जनता को भरोसा दे रहा हूँ, बहुत जल्दी चुनाव प्रचार पूरी रणनीति के साथ समाजवादी पार्टी शुरू करेगी। जाओ अखिलेश यादव, जिन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में बहुत जल्दी वो चुनाव प्रचार के लिए उतरेंगे। और न्यूज रूम लाइव की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज वन इंडिया के साथ। नमस्कार।